देखिए, आज हमने संथाल परगना प्रमंडल के हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं सभी लोगों से मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में था। इसी दौरान केंद्र सरकार के मंत्री रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, फिर उसके बाद आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, इन लोगों का फोन आया। इस दौरान शायद वो राय जानना चाहते थे प्रवासी मजदूर और छात्र छात्राओं को लेकर और बाहर फंसे जितने भी लोगों हैं उनके। हमने कहा ये तो हम लगातार केंद्र सरकार से अनुमति मांग रहे थे कि दिशा निर्देश हमें दिया जाए, केंद्र सरकार कोई ऐसी उपाय करे जिससे जो सामाजिक प्रेशर था वो कम किया जा सके। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त जो हमारी कई दिनों हुआ था, और मैंने यही सब पूरी चीजों को अंकित भी किया था। और आज छात्र छात्राओं को, मजदूरों को लाने की एक दिशा निर्देश राज्य सरकारों को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, बच्चे आएंगे कैसे? बहुत बड़ा सवाल है भाई, रोड ही आना है, मजदूर है लाखों। देखिए, अभी तो दिशा निर्देश आया है, कई शर्तों के साथ आया है, इसमें भी कई चीजें हैं, इस पर कुछ नियम कायदे बनाए जाएंगे, केंद्र से भी सहयोग हम लेंगे, क्योंकि पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमने शुरू से भी ये कहा है कि हम अकेले पूरे देश से मजदूरों को, छात्रों को नहीं ला पाएंगे, राज्य सरकार सक्षम नहीं है। अगर हम अपने संसाधनों का, जो सीमित संसाधन है, क्योंकि हमारे पास कॉरपोरेशन भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी नहीं है, तो इसके वजह से अगर हम कोई व्यवस्था करते भी हैं और जो दूर दराज में लोग फंसे भी हैं, तो मुझे लगता है कि लाने ले जाने, वहां से मजदूरों को लाने में ही हमारा 6 महीना बीत जाए। इसलिए ये सब चीजें हम लोग आगे कैसे कार्य किए जाएंगे, इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए पदाधिकारियों को नियुक्त भी कर दिया गया आज, नोडल ऑफिसरों को, कि आज इस विषय पर आगे पूरी वर्क प्लान बना तैयार करें और हमें अवगत कराए, तदनुसार आगे कार्रवाई करें। सर, एक महत्वपूर्ण है क्या सर, मजदूरों की बात करें या छात्रों की बात करें, पहले से नोडल ऑफिसर थे तो डाटा अपने पास, झारखंड के पास? हमारे पास डाटा है और बहुत सारे मुझे जो खबर भी आई है, आप लोगों को भी खबर है इस बात की कि कई जगहों से, जैसे छात्रों को विषय, छात्राओं को लेकर कई अभिभावक ने अपने बच्चों को लाने का आग्रह भी किया था, उन्होंने परमिशन भी मांगा कि हमें परमिशन दिया जाए, हम अपने छात्र छात्राओं को लेके आए, और ऐसी बनेगी तो हम उन अभिभावक को अपने बच्चों को लाने का अनुमति भी देने की प्रक्रिया पर आगे विचार। कितने मजदूर फंसे हैं सर, कुछ डेटा आपके पास? देखिए, अभी बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है 5 लाख के लगभग, कुछ कम हो सकता है, कुछ अधिक हो सकता है, इस रेंज पर लोग बाहर फंसे हैं। और इसका भी आकलन होगा, हालांकि लगभग बहुत सारी चीजें विगत दिनों में लोगों को कहां पर हैं, किस जगह पर हैं, लगभग लोगों की लोगों को उनका जगह पहचान कर ली गई है और हम लोग
आगे का इसका कैसे उस जगह से लोगों को एविकेट किया जा सके, ये हम लोग तैयारी। मुख्यमंत्री जी, आपने पहले भी ये सवाल उठाया था कि जो लोग आएंगे उसके बाद आपकी चुनौती बढ़ने वाली है, मतलब स्क्रीनिंग से है, उसके लिए क्या कुछ आप सोच रहे हैं छात्रों के लिए भी और मजदूरों के लिए भी? ये हम आपको बताएंगे समय आने पर, अभी चूंकि ये चीजें अभी हमारे पास, अभी थोड़ी देर पहले ये आदेश आया है, अब इसके बाद हमारे पास क्या संसाधन है, कितने संसाधन है, इसका पूरा विवरणी विभाग के तरफ से भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, या फिर जब हम आपसे बात करेंगे हम आपको पूरा विस्तृत रूप से बताने की स्थिति पर रहेंगे, क्योंकि अभी तो जब तक ये ऑर्डर आता तब तक सारे पदाधिकारी अपने अपने घर जाते। सर एक महत्वपूर्ण सवाल रिम्स को लेकर है, रिम्स डायरेक्टर को लेकर है सर, वो आपो की स्थिति है, आपको इस्तीफा दे दिया है, क्या दिया है सर, या अभी वो पद पर है? देखिए, उनका मुझे जो जानकारी प्राप्त है, जो अनऑफिशियली, वो ये है कि शायद उनका चयन दूसरे संस्थान में हुआ है और वो सरकार से अनुमति चाह रहे हैं कि वो यहाँ से जाएं, और चूंकि इसी बीच कोरोना का संक्रमण आया है और इसमें विभाग ने अपने तरीके से क्या कार्रवाई की है इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि उन्होंने शायद जो उनकी चयन हुई है वहाँ जाने की उन्होंने इच्छा जताई। ठीक ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आप देख रहे हैं स्टार टीवी न्यूज़, हर खबर का असर।